पावन मंगल ये दिन प्रभु तुमसे मिला वरदान उल्लास भरा प्रभु ये दिन हर्षित करता तन मन नाच गाते हुए बजाते हुए नाच गाते हुए बजाते हुए हम करते हैं कुछ पकड़ा खुशियों से भरा प्रभु ये दिन हम आए हैं मंदिर में अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों आज के इस रविवारीय समारोह में हम विशेष रूप से अपने आप को प्रभु के पास लाए हैं। हम अपने आप को प्रभु के पास इसलिए लाए हैं कि हम फिर से अपने ईश्वर को अपने प्रभु को नज़दीकी से करीबी से अनुभव करें। वह प्रभु जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है जो ब्रह्मांड के रचयिता है वह दीनहीन बनकर इस संसार में आए। हम मनुष्यों जैसा उन्होंने रह करके कार्य किया और उसी ईश्वर के पास हम फिर से आए हैं जिससे हम उनके वचनों को सुने उनको ग्रहण करें और उसके द्वारा हम आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करें। प्रभु ईश्वर पवित्र परमेश्वर है। वह हमें प्रत्येक दिन पवित्रता में बढ़ने के लिए बुलाते हैं कि हम उनके पास आकर अपने जीवन को पवित्र बनाएं। लेकिन हम मनुष्य जिनको ईश्वर ने स्वर्गदूतों से कुछ ही कम बनाया अपने दैनिक जीवन में कोई ना कोई गलती करते हैं जिसके चलते हम पाप में गिर जाते हैं और जब हम पाप करने लगते हैं तो हमारा संबंध अपने ईश्वर के साथ टूट जाता है। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं मैं तुमसे कहता हूँ जो पाप करता है वह पाप का दास है। ये बातें हम संत योहान के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 34 में पढ़ते हैं। किसी न किसी रूप में हम गुलामी में अपना जीवन जीने लगते हैं। हम पापों के दास बन जाते हैं जिससे हम अपने जीवन में शायद छुटकारा नहीं पाते हैं। लेकिन प्रभु हमें आमंत्रित करते हैं विशेष करके इस रविवारीय समारोह में कि हम उनके पास आए अपने पापों पर पछताएं अपने संबंध को अपने ईश्वर से फिर जोड़ें। इसलिए प्रेरित चरित अध्याय 3 पद संख्या 19 में हम पढ़ते हैं आप लोग पश्चाताप करें ईश्वर के पास लौट आए जिससे आपके पाप मिट जाएं। आइए आज जब हम यह कृस्त्याग चढ़ाने के लिए एकत्र हुए हैं हम अपने पापों को अपनी गलतियों को अपनी कमजोरियों को प्रभु को समर्पित करें क्योंकि प्रभु नबी यिर्मयाह के द्वारा अध्याय 31 पद संख्या 34 में कहते हैं कि मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा मैं उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। ईश्वर हमें यह आश्वासन देते हैं और उस आश्वासन को हम पूर्ण विश्वास के साथ अपने जीवन में ग्रहण करें पूरे हृदय से पूरे मन से पूरे तन से हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करें अपने पापों के लिए पश्चाताप करें जिससे यह कृस्त्याग योग्य रीति एवं कल्याणकारी रूप से मना सकें। दया सागर प्रभु कृपा सागर प्रभु दया हम पे तू कर प्रभु पापी है हम।
कृपा सागर प्रभु दया हम पे तू कर प्रभु पापी हैं हम दया सागर प्रभु मुक्ति दाता प्रभु शांति दाता प्रभु मुक्त कर दे हमें अपराधी हैं हम मुक्ति दाता प्रभु शांति दाता प्रभु मुक्त कर दो हमें अपराधी हैं हम मुक्त कर दे हमें अपराधी हैं हम मुक्त कर दे हमें अपराधी हैं हम दया सागर प्रभु कृपा सागर प्रभु दया हम पे तू कर प्रभु पापी है हम दया सागर प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें आमीन।
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान जीवंत ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि तेरी कृपा से हम सदा स्वेच्छा और आनंद पूर्वक तेरी आज्ञाओं का पालन करते रहें। हमारे हृदय में साहस का संचार कर कि हम जीवन के हर क्षेत्र में ईमानदारी और सच्चे हृदय से तेरी सेवा करते रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। वर्ष का 29वां इतवार, पहला पाठ, नबी इसायस का ग्रंथ, अध्याय 53, पद संख्या 10 से 11 तक। उसने प्रायश्चित के रूप में अपना जीवन अर्पित किया, इसलिए उसका वंश बहुत दिनों तक बना रहेगा। प्रभु ने चाहा कि वह दुख से रौंदा जाए। उसने प्रायश्चित के रूप में अपना जीवन अर्पित किया, इसलिए उसका वंश बहुत दिनों तक बना रहेगा और उसके द्वारा प्रभु की इच्छा पूरी होगी। वह अपने दुखभोग का परिणाम देखकर संतुष्ट होगा। उसने दुख सहकर जिन लोगों का अधर्म अपने ऊपर लिया था, वह उन्हें उनके पापों से मुक्त करेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। चरवाहा चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। यीशु हमारे साथ रहेगा, यीशु हमारे साथ रहेगा, राह में कोई भी संकट ना आएगा। चरवाहा चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। जीवन में हर खुशी देता है हमें, जीवन जल यीशु ही देता है हमें। जीवन में हर खुशी देता है हमें, जीवन जल यीशु ही देता है हमें। साथ रहेगा वो दुख में हमारे, साथ रहेगा वो दुख में हमारे। तो पास नाव को जाएगा किनारे। चरवाहा चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे दूसरा पाठ, इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, पद संख्या 14 से 16। हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। हमारे एक अपने महान सहायक हैं, अर्थात ईश्वर के पुत्र यीशु, जो स्वर्ग पहुंच गए हैं। इसलिए हम अपने विश्वास में दृढ़ रहें। हमारे महायाजक हमारी दुर्बलताओं में हमसे सहानुभूति रख सकते हैं, क्योंकि पाप को छोड़कर
सभी बातों में हमारी ही तरह उनकी भी परीक्षा ली गई है। इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें दया मिल जाए और हम वह कृपा प्राप्त करें जो हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करेगी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। जबेदी के पुत्र याकूब और योहन यीशु के पास आकर बोले, गुरुवर, हम अपने लिए एक निवेदन कर रहे हैं, आप उसे पूरा करें। यीशु ने उत्तर दिया, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उन्होंने कहा, अपने राज्य की महिमा में हम दोनों को अपने साथ बैठने दीजिए, एक को अपने दाएं और एक को अपने बाएं। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो। जो प्याला मुझे पीना है, क्या तुम उसे पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मुझे लेना है, क्या तुम उसे ले सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम यह कर सकते हैं। इस पर यीशु ने कहा, जो प्याला मुझे पीना है, उसे तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मुझे लेना है, उसे तुम लोगे। किंतु तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए है जिनके लिए वे तैयार किए गए हैं। जब 10 प्रेरितों को यह मालूम हुआ तो वे याकूब और योहन पर क्रुद्ध हो गए। यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि संसार के अधिपति माने जाते हैं, वे अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। तुम लोगों में ऐसी बातें नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। यह प्रभु का सुसमाचार है। प्रभु की जय। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, आज हम लोग
सामान्य सप्ताह के 29वें रविवार में हैं और आज का तीनों पाठ हमें प्रभु यीशु के दुखभोग की ओर ले चलता है। प्रभु यीशु ने अपने जीवन में जो दुख भोगा उसकी भविष्यवाणी पुराने व्यवस्थान में पहले ही हो चुकी थी और यीशु भी जब इस संसार में सशरीर कार्यरत थे उन्होंने अपने भावी जीवन को देख लिया था। उनके जीवन में जो भी दुख तकलीफें थी, जो भी समस्याएं थी, जो क्रूस वह ढोने वाले थे उनको उन्होंने पहले ही देख लिया था। इसलिए वह गेतसमनी बारी में प्रार्थना करते हैं कि हे पिता, अगर हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु के इस दुखभोग की भविष्यवाणी आज के प्रथम पाठ में भी हम सुनते हैं जो नबी इसाईस के द्वारा दी गई है। नबी इसाईस के तीसरे भाग से आज का यह पाठ लिया गया है जहाँ पर प्रभु यीशु के दुखभोग के बारे में बताया गया है। हम वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु ने चाहा कि वह दुख से रौंदा जाए, उसने प्रायश्चित के रूप में अपना जीवन अर्पित कर दिया। ये बातें प्रभु यीशु के जीवन में पूर्ण होती है। वह निर्दोष सेवक जिन्होंने दुख भोगा वह और कोई नहीं बल्कि प्रभु यीशु ही है। और उस निर्दोष सेवक के बारे में जो दूसरों का अधर्म अपने ऊपर लेता था वह प्रभु यीशु ख्रिस्त ही है। और उन्होंने दूसरों के पापों के लिए प्रायश्चित के रूप में अपने आप को क्रूस पर अर्पित कर दिया। इसलिए हम वचन में पढ़ते हैं, हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उनके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। प्रभु का वचन हमें बताता है कि किस प्रकार यीशु ने अपने जीवन में दुख भोगा, किस प्रकार उन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया, किस प्रकार उन्होंने हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया। ये बातें हम नबी इसाईस के ग्रंथ में आज के पहले पाठ में देखते हैं। आज का दूसरा पाठ हमें उस सिंहासन के बारे में बताता है जहाँ पर स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त विराजमान है। हमें याद होगा कि पिछले साल जब वार्षिक सत्संग यूट्यूब के माध्यम से शुरू हुआ तो वार्षिक सत्संग का पहला दिन जो पहला विषय था वह आज के दूसरे पाठ से ही लिया गया था और वह था कि हम भरोसे और विश्वास के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। अनुग्रह का वह सिंहासन जहाँ पर स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त विराजमान है। प्रभु यीशु ख्रिस्त पाप को छोड़ मनुष्यों का साथ जीवन जिया, उन्होंने मनुष्यों के बीच निवास किया, इसलिए वह मनुष्यों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। जो भी विश्वासी प्रभु के पास निसंकोच जाते हैं उस अनुग्रह के सिंहासन के पास निसंकोच जाते हैं, प्रभु उनको उनकी मुसीबतों से, उनकी समस्याओं से, उनके तकलीफ़ों से छुटकारा दिलाता है, क्योंकि उन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है, उन्होंने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया है। इतना ही नहीं, उनकी परीक्षा भी ली गई, जैसे कि हम यीशु ख्रिस्त के बपतिस्मा के बाद देखते हैं जब वह
यौहन बपतिस्ता से यरदन नदी में बपतिस्मा लेते हैं। बपतिस्मा लेने के बाद तुरंत बाद उन पर पवित्र आत्मा उतरता है और उन्हें मरुभूमि में लेकर के जाते हैं। वहाँ वह 40 दिन और 40 रात उपवास करते हैं और प्रभु के पास परीक्षा लेने के लिए शैतान का आगमन होता है। उनकी भी परीक्षा ली गई है। जो मनुष्य इस संसार में विचरता है उनको भी अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। वही व्यक्ति सफल होता है जो अनुग्रह के सिंहासन के पास पूर्ण विश्वास के साथ आता है। आज के सुसमाचार में हम दो व्यक्तियों के बारे में सुनते हैं, जबेदी के पुत्र याकूब और योहन, जो प्रभु येसु के दाएं और बाएं बैठना चाहते थे, लेकिन येसु उनसे कहते हैं कि यह स्थान उन लोगों के लिए है जिसे संसार के प्रारंभ से ही पिता ईश्वर ने तैयार किया है। वह अनुग्रह का सिंहासन के पास वही व्यक्ति पहुंच सकता है जो उसके लायक है, जो अपने जीवन में प्रभु येसु के समान दुख और कष्ट सहते हैं, जो प्रभु येसु के समान अपने जीवन में क्रूस ढोते हैं। वही व्यक्ति उस अनुग्रह के सिंहासन के पास पहुंच सकता है। जो सेवा भाव आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं, येसु क्रिस्त ने स्वयं करके दिखाया। उस सेवा भाव से ओतप्रोत होकर एक विश्वासी अपने जीवन में येसु की आज्ञाओं का पालन कर, उनका अनुसरण कर, उनके सच्चे अनुयायी बनकर सेवा की भावना अपनाता है तो वह उस अनुग्रह के सिंहासन के पास पहुंचता है। पर मनुष्य इस संसार में उस अनुग्रह के सिंहासन के पास पहुंचने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि उनके जीवन में जब भी छोटी बड़ी तकलीफें आ जाती है, जब भी समस्याएं आ जाती है, वह विचलित हो जाता है, वह डर जाता है। प्रभु येसु की परीक्षा ली गई, उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन में भी परीक्षाएं आती है। उन परीक्षाओं को विश्वास द्वारा पार किया जा सकता है, समर्पण द्वारा पार किया जा सकता है और अनुग्रह के सिंहासन के पास पहुंचा जा सकता है। प्रभु येसु ने मानव जाति को बचाने के लिए क्रूस मरण स्वीकार किया। वह दीनहीन बने, उन्होंने दास का रूप धारण किया। पर हम मनुष्य बहुत बार अपने जीवन में अपने घमंड के चलते, द्वेष के चलते, ईर्ष्या के चलते दास का रूप धारण करने में असमर्थ हो जाते हैं, उस अनुग्रह के सिंहासन के पास पहुंचने में असक्षम हो जाते हैं। जबेदी के पुत्र याकूब और योहन उस अनुग्रह के सिंहासन के अगल बगल में बैठना चाहते थे, जिनको बाकी शिष्यों ने नकार दिया। वे उन पर क्रुद्ध हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि येसु इस संसार में संसारिक राज्य की स्थापना करेंगे और वे वहाँ पर दाएं और बाएं बैठेंगे, लेकिन येसु का राज्य इस संसार का नहीं है। वह स्वर्ग और पृथ्वी के अधिपति हैं। उनका राज्य आध्यात्मिक रूप से प्रत्येक मनुष्य के जीवन में निहित है, क्योंकि प्रभु स्वयं कहते हैं स्वर्ग का राज्य तुम में है। उस राज्य को हमें पहचानने की जरूरत है, उस अनुग्रह के सिंहासन को हमें पहचानने की जरूरत है। प्रभु जिसने दुख भोगा, जिसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, आज इन पाठों के द्वारा हमें आमंत्रित करते हैं कि हमारे जीवन में भी जब दुख तकलीफें आए, जब समस्याएं आए, उस समय हम येसु की क्रूस की ओर देखें। वह क्रूस जो बहुतों को अपनी ओर आकर्षित करता है, हमें भी आकर्षित करेगा। और जब हम येसु के दुख भोग पर मनन चिंतन करेंगे तो हमारे जीवन के
दुख तकलीफ़ें बहुत ही कम दिखाई पड़ेगी, बहुत ही छोटे दिखाई पड़ेंगे। प्रभु हमें आमंत्रित करते हैं कि हमारे जीवन की समस्याओं को प्रभु के चरणों में समर्पित करें और पूर्ण विश्वास के साथ उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आए जहाँ पर स्वयं प्रभु येसु ख्रिस्त राज्य करते हैं, स्वयं प्रभु येसु ख्रिस्त राजा हैं। और यह संभव होगा जब आज के सुसमाचार के अनुसार हम प्रभु के बताए हुए कार्यों को करेंगे कि जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है वह तुम्हारा दास बने। आइए हम प्रार्थना करें कि हमारे जीवन के सेवा कार्य और हमारे जीवन में प्रभु सेवा की भावना दे कि हम अनुग्रह के सिंहासन के पास रह सकें। आमेन। आइए हम अपने विश्वास को दोहराएं। प्रेरितों का धर्मसार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और इसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुमारी मरियम से जन्म लिया, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया और गाड़ा गया, लिंगुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान है, वहां से जीवित और मृतकों का न्याय करने को आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूं। आमीन। प्यारे भाई बहनों, हम पिता परमेश्वर से विनती करें कि वह समस्त पृथ्वी पर हमें शांति और एकता प्रदान करने की कृपा करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम हमारे कलीसिया के भले गढ़िए संत पिता फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, तू उन्हें हर दृष्टिकोण से सुस्वस्थ रख, उनके हर प्रेरिताई कार्यों में आशीर्वाद प्रदान करें। उन्हें तू नित्य नई प्रेरणाओं एवं अपनी आत्मा से प्रतिदिन प्रेरित करें, जिससे वे इस चुनौती भरी युग में भी अपनी रेवड़ की सफलतापूर्वक संचालन करते हुए ख्रिस्त विश्वासियों को प्रभु के प्रेम एवं विश्वास में दृढ़ बने रहने के लिए अपना योगदान दे सकें। हम पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आज मैं सभी मनुष्य को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करती हूँ कि उन्हें कृपा मिले, हम अपने पड़ोसियों से प्रेम करें, परिवारों की सहायता करें, इस प्रकार ईश्वर की आज्ञा का पालन कर एकता एवं भाईचारे का संबंध सदैव बनाए रखें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आज मैं विशेष रूप से जीवन के चौराहे पर खड़े युवक युवतियों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करती हूँ। हे प्रभु, आप इनका मार्गदर्शन कर कि वे तेरे पद चिन्हों पर चलकर और तेरी सेवा करें तथा अपना जीवन को सफल बना सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आज मैं बेरोजगारों की रोजगार के लिए प्रार्थना करती हूँ। हे प्रभु, तू उन्हें अपनी योग्यता एवं क्षमता के आधार पर रोजगार प्रदान करने की कृपा कर। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, संसार भर में बीमार से पीड़ित माता पिता भाई बहनों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करती हूँ। हे चंगाई दाता ईश्वर, तू उन्हें पवित्र हाथों से स्पर्श कर, जिससे कि वे रोगों से मुक्त हो सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर, तेरी कृपा से हम पवित्र इच्छा, अच्छे संकल्प और पुण्य कार्य कर सकते हैं। अपने भक्तों को वह शांति प्रदान कर जिसे संसार नहीं दे सकता, उसे प्राप्त कर हम सारे हृदय से तेरी आज्ञाएं पूरी करते रहें और शत्रुओं के भय से मुक्त होकर तेरी रक्षा में
शांतिपूर्वक जीवन बिता सकें। हम यह मांगते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रिय भाइयों एवं बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें, प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हम तेरे दानों का सदुपयोग कर तेरी सेवा सहर्ष करते रहें। इस संस्कार के प्रभाव से हमारे पापों के दाग मिट जाएं और हम बिल्कुल शुद्ध हो जाएं। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपनी मृत्यु तथा पुनरुत्थान के द्वारा इन्होंने हमें पाप और मृत्यु की दासता से मुक्त होकर ऐसा गौरव प्रदान किया कि हम निर्वाचित जनता, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र जाति तथा प्रभु की निजी प्रजा कहलाएं। हे पिता, हम समस्त विश्व में तेरे सामर्थ्य की घोषणा करते हैं, क्योंकि तूने हमें अंधकार से अपने अद्भुत प्रकाश में बुलाया है। इसलिए हम समस्त दूत गणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं।
हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त प्रभु मर गए, क्रिस्त प्रभु जी उठे, क्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समूह उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके अति शुद्ध वर संत जोसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे
और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु इच्छा शक्ति दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। तेरे मेरे दिल को स्वामी तेरे बिन ये सुना पड़ा, स्पर्श करके नवीन कर दे द्वार तेरे में खड़ा। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी तेरे बिन ये सुना पड़ा, स्पर्श करके नवीन कर दे द्वार तेरे में खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। जिंदगी के सुख दुखों से दिल को सजाया मैंने प्रभु, वो भी अधूरी मेरी सजावट तुझे ना आया मेरे प्रभु। कर मेरे दिल को स्वामी तेरे बिन ये सुना पड़ा, स्पर्श करके नवीन कर दे द्वार तेरे में खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह कृपा कर कि हम परम प्रसाद के प्रभाव से पवित्रता के मार्ग पर अग्रसर हो। सृष्ट वस्तुओं का सदुपयोग करते हुए हम अनंत वस्तुओं के ज्ञान और प्रेम में बढ़ते जाएं। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु की शांति साथ रहें। ईश्वर को धन्यवाद। ये सुना।
मधुरे जीवन दाता ये सुनाम मुक्ति दाता ये सुनाम जीवन दाता ये सुनाम मुक्ति दाता ये सुनाम